नाइस ना और दिखाओ मैडम स्टील टोस दिखाओ ना अच्छा लग रहा है है ना हाँ। आ भैया इनके लिए तो छह सात इंच वाली हील दिखा दो ठीक है <laughs> हाँ बेटा बोल माँ हाँ? मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया सच भैया हाँ जी फ्लैट सी दिखाइए क्यों क्या हुआ कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात ट्वेंटी <laughs> बेटी ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है अड्डा ट्वेंटी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है

अकाउंट्स जनरल और डिपॉट इन तीन स्ट्रीम्स के लिए इन तीन कैटेगरीज के लिए अठारह सौ इकतालीस पोस्ट हैं और इन पोस्ट का जो वैकेंसी का बिल्कुल है वो आउट हो चुका है बस नोटिफिकेशन आने की देरी है नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है आज कल परसों नरसों कभी भी आपको देखने को मिल सकता है और आप सभी आपसे को तैयार रहना है अपने एग्जाम के लिए इसलिए दोस्तों आप लोग के एग्जाम में आप सभी आपसे को बेहतर परफॉर्म करने के लिए है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एफ सी का दोराबाइस का टारगेट सीरीज राइट तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आप सब लोग जो है बिल्कुल तैयार होंगे बिल्कुल रेडी होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में परफॉर्म करने के लिए एग्ज़ाम कब होगा सर एक बहुत बड़ा सवाल ये है देखो अभी एग्जाम के बारे में नहीं पता कुछ भी एग्ज़ाम कब होगा बट इतना पता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है वैकेंसी के बारे में पता है एक अब फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है जिस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट्स का जिक्र होगा वो आना बाकी है वो भी नहीं आया है बट अगर बात करें अप्रैल के मंथ में आपको जो है पूरा पूरा वैकेंसीज का जो डिटेल है वो आ चुका है मतलब ऑफिशियली जो है एक आपका नोटिस आया था जिसमें एफसीआई ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में अपनी वैकेंसी दी है तो यहाँ पर अगर बात करें अकाउंट्स जनरल और डिपॉट इन तीनों की कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुल मिला के है ना पोस्ट हैं और इसमें मतलब अगर बात करें जनरल और डिपॉट में आप नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन कर रखें तो आप एलिजिबल हैं है ना थैंक यू सो मच श्रेया श्रीवास्तव जी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर द विश ठीक है चलिए तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे अट्ठारह सौ इकतालीस कुल मिला के आपके पोस्ट हैं तो इन पोस्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्वांट में अगर बात करें पैंतीस सवाल आपके आने वाले हैं, मतलब जो इस एग्जामिनेशन का प्रिलिम्स है वो बिल्कुल सेम है हु बहु है किसके आई बी के बराबरी ही आर आर बी के बराबर ही आई बी क्लर्क के बराबरी राइट तो मतलब अगर बात करें एग्ज़ामिनेशन का लेवल तो पी और क्लर्क के बीच में रहेगा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट हर हाल में बनेगा आप लिख के रख लो कि सिद्धार्थ सर ने बोला था कि एग्जाम का पार्ट बनेगा तो एग्जाम का पार्ट बनेगा ठीक है तो आप इसको रख लो बहुत फायदे में रहोगे अगर आप अभी से ही मेहनत करोगे इसकी तो आप एग्जाम एग्जाम से पहले अपने आपको इस लोगे कि सवाल कोई भी आए आप सवाल को कर सके ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आगे मूव ऑन करते हैं गुड इवनिंग टू ऑल तो शुरू करते हैं अपने दस मिसिंग नंबर सीरीज़ को तो जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं प्लीज़ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन टाइम आ सके तो करना क्या आप लोगों को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपके पास मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन टाइम पहुँच सके इसके अलावा आप सभी लोग के फ़ोन में हमारी एप्लीकेशन होना ज़रूरी है बिकॉज एप्लीकेशन पर ही हम लोग अपने सेशनस की पी डी एफ अपनी लाइव क्लासेज अपनी कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं आप सभी लोग के फोन में एप्लीकेशन होना जरूरी है तो आइए बढ़ते हैं अपने सवाल पे पहला सवाल मैं देता आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज़ है जिसमें आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है अगेन थोड़ा सा अगर मैं आपको एंटर यहां पे आपको पे एक बात सा ध्यान देनी है कि जो नंबर सीरीज आप लोग की होती है वो दो तरह की होती है एक होती है आप लोगों की फास्ट और एक होती है आप लोग स्लो फास्ट में क्या होता है कि एकदम से सीरीज शुरू तो होती है और एकदम से चली जाती है आसमान पे और स्लो का मतलब होती धीम धीम है धीमे धीमे है ना स्लो का मतलब क्या होता है सीरीज धीमे धीमे अगर सीरीज धीमे धीमे रह गई तो मतलब वो स्लो है और फास्ट का मतलब क्या है एकदम से शुरू हुई और बहुत ऊपर चली गई तो फास्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं और अगर मैं स्लो की बात करूँ तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती हैं जिनको बनाते हैं ठीक है तो फास्ट में क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्लो में क्या होता है आप लोग का डिफरेंस बेस्ड ठीक है तो सवाल दे रहा हूँ पहला बनाना ट्राई करना उड़ाओ दस सवाल हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करना और ये मिनी क्विज है ना ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है और आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ सीख जाओगे तो डेली मतलब मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे हफ्ते में तीन दिन मेरी क्लास होगी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फोर थर्टी ठीक है पहला सवाल आपके सामने है बनाइए देखते सबसे पहले मुझे कौन देगा इसका आंसर उड़ाइए ऑप्शन को देखना जरूरी है बिकॉज ऑप्शन देख के भी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे हुआ क्या है क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा यहाँ पे है ना जो क्वालिफिकेशन होगा वो नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा इसके आगे कुछ नहीं चलिए तीन बारह अड़तालीस वन नाइनटी टू सेवन सिक्सटी एट डैश तो यहाँ पे क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन जाऊँगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो चलिए आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं मैं आपको गाइड कर दूँगा किस तरह से आपको बैच मिल जाएगा ठीक है श्रेया श्रीवास्तव आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं तो मैं गाइड कर दूँगा आपको कि किस तरह से मतलब आपको मेरा बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पर वो मैं आपको गाइड कर दूँगा ठीक है तीन बारह फोटी एट वन नाइनटी टू सेवन सिक्सटी एट ऑप्शन बहुत दूर है सेवन सिक्सटी एट के तो मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पर तो अगर यहाँ पे देखा जाए तीन से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बारह हो रहा है तो मतलब मैं बोलूँगा इंटू फोर कर सकता हूँ यहाँ पे बारह से कितना है फोर्टी एट तो मैं अगेन यहाँ पे इंटू फोर करूँगा यहाँ पर देखो इंटू फोर कर देंगे देखो यहां पर इंटू फोर यहां भी देखा जाए हो जाएगा तो यहाँ पे फोर से करेंगे। हो हो जाएगा टू। फोर कितना हो जाएगा कितना आप ऑप्शन आया थ्री जीरो आराम से बन गया कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल देखो आप खुद ही फील कर लोगे यहां कि हो क्या रहा है है ना अबाउट टू आउट है ना रोहन घोष अबाउट टू आउट है ना अभी एफ सी आई का नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही आउट होने वाला है <coughs> चलो अब देखो वन सिक्स थर्टीन ट्वेंटी फोर फोर्टी वन डैश तो यहां पे अगर देखा जो डिफरेंस पे ही जाएंगे मल्टीप्लीकेशन कोई मतलब नहीं है है ना तो अगर मैं डिफरेंस देखूँ यहां पे मैथ्स बाय सिद्धार्थ सर है ना मैथ्स बाय सिद्धार्थ सर मेरी फोटो मिली मिल जाएगी उसमें आपको वन सिक्स थर्टीन ट्वेंटी फोर फोर्टी वन डैश तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाँच का डिफरेंस आया यहाँ पे देखो छः में से गया तेरह छः में से गया तेरह तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का सात का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ देखो तो आ, चार में से जाएगा तीन कितना बचेगा एक ग्यारह का डिफरेंस हो गया यहाँ देखो कितना हो गया आप लोग का ट्वेंटी सेवन का डिफरेंस यहाँ पे अगर देखा जाए कितना हो गया आप लोग का सेवेंटीन का डिफरेंस हो गया तो अगर मैं डबल डिफरेंस पे खेलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखो दो का डिफरेंस आया अगला देखो चार का डिफरेंस है यहाँ पे देखो छः का डिफरेंस दो चार छः और अगला कितना हो जाएगा आप लोग का आठ सत्रह और आठ कितना हो जाएगा आप लोग का ट्वेंटी फाइव अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे तो कितना आप लोग को सिक्सटी सिक्स आ जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पे आया सिक्सटी सिक्स ऑप्शन नंबर सी ठीक है ओके <coughs> okay. तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का सिक्सटी सिक्स आएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस सिक्स हुई बोल दो केवल सिंपल सी बात है डिफरेंस पता करनी है पाँच हो गया सात हो गया ग्यारह सत्रह डबल डिफरेंस देखो दो चार छः आठ खत्म बहुत सिंपल सवाल आते हैं

थ्री टू सिक्स डैश तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ दो से गया पाँच पाँच से गया सोलह सोलह से गया सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव से गया ये तो मल्टीपिकेशन करूँगा तो यहाँ पे इतना आप लोग का इंटू टू प्लस वन हो जाएगा यहाँ देखा जाए अगर इंटू थ्री प्लस वन हो जाएगा यहाँ देखो इंटू फोर प्लस वन तो अपने पकड़ लिया ना क्या फ्लो है सीरीज़ का जानना जरूरी है सीरीज़ का फ्लो जानना जरूरी है तो यहाँ पे इतना है आप लोग का इंटू फाइव प्लस वन हो जाएगा और अगला कितना हो जाएगा आप लोग का इंटू सिक्स प्लस वन है ना तो इंटू सिक्स थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन एटीन और एक नाइनटीन ऑप्शन नंबर आया कोई बात नहीं अगर आप पेटीएम नहीं यूज करते तो फिर आप और डिफरेंट कर, तरीके से बैच पे का, बैच का फीस पे कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास बैंक है उस बैंक की डिटेल्स का इस्तेमाल करके भी आप बैच परचेस कर सकते हैं ठीक है अगला सवाल बनाइए यहां पे क्या लग रहा है आप लोग को सवाल देखिए फील कीजिए क्या लगेगा डिफरेंस है कि मल्टीप्लीकेशन बताइए बनाइए भाई क्या रहा है यहां पे है ना यहां पे क्या आ रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्टी नाइन एटी वन वन ट्वेंटी वन वन सिक्स नाइन दो सौ पच्चीस ये तो बहुत ईजी है यार मतलब अगर देखा जाए इसको तो सोचना ही नहीं है बिना पेन पेपर के आप उसको बना सकते हैं बिकॉज अगर देखूँ यहाँ पे तो फोर्टी नाइन यहाँ पे क्या आप लोग का सेवन का स्क्वायर हो गया एट्टी वन क्या आप लोग का नाइन का स्क्वायर हुआ यहाँ पर देखो इलेवन का स्क्वायर हुआ अगला देखो तेरह का स्क्वायर हुआ तो अगर आप देखोगे नाइन सेवन का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर एलेवन थर्टीन तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा आप लोग का फिफ्टीन का स्क्वायर अगला कितना हो जाएगा सेवनटीन का स्क्वायर तो सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह और कितना हो जाएगा आप लोग का नाइनटीन राइट नाइनटीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का थ्री सिक्सटी वन तो थ्री सिक्सटी बात खत्म ऑप्शन नंबर पे क्या आएगा आप लोग का ए आएगा थ्री सिक्सटी वन ठीक है चलिए अगला सवाल ये बढ़िया सवाल है क्योंकि आप समझ जाओगे फील है ना फील करो सवाल को सवाल को फील करो इफ यू विल फील द सवाल यू कैन डू द सवाल ध्यान रखना फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट 1, 1, 1. 5, 3, तो यहां पे दिखा तो पे अगर जाए, वी हैव टू गो ना? मल्टीप्लिकेशन का ही यहां पे pattern यहां पे। लगेगा से गया एक तो मैं बोल सकता हूं कितना तो हो जाएगा आप लोग का इंटू वन हो जाएगा वन से गया वन पॉइंट फाइव इंटू कितना आप लोग का यहाँ देखो कितना तो आप लोग का इंटू टू हो जाएगा यहाँ देखो कितना इंटू टू पॉइंट फाइव हो जाएगा अगला यहाँ पे क्या होगा इंटू थ्री होगा

प्री और मेंस दो चीजें होती है आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन में तो प्रीलिम्स के लिए दोपहर दो बजे और मेंस के लिए रात में ग्यारह बजे दोनों चीजें अभी से लेके चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो है ना तो ये हो गए पांच सवाल हो गए फटाफट से मुझे बताओ कि पांच में से पांच कितने लोगों ने स्कोर किया हाउ मेनी ऑफ यू स्कोल्ड फाइव ऑफ फाइव पांच में से पांच कितने लोगों ने स्कोर किया बताओ वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पे इसलिए आपसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो है ना चलो आगे बढ़ते हैं मूव ऑन करते हैं सिक्स सवाल पे ये आपके सामने सिक्स उड़ाई है बनाओ फास्ट सवाल देखो बढ़िया सवाल है ये आ, लेवल अच्छा सवाल का देखो वन टू थ्री टू सेवन सेवन फाइव फोर नाइन फाइव फोर फाइव नाइन सिक्स सिक्स नाइन और नाइन जीरो सेवन डैश हालांकि नाइन जीरो सेवन के बाद है ना नाइन जीरो सेवन के बाद जो ऑप्शन है वो काफी क्लोज है बहुत बड़े ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली गो विद द डिफरेंस है ना डिफरेंस भी आते हैं यहाँ पे तो अगर मैं देखू यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है आप लोग का सात में से जाएगा तीन कितना बचेगा चार बचेगा सात में से जाएगा दो कितना बचेगा आप लोग का पांच बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा एक अगला देखो नौ में से गया सात कितना बचेगा दो बचेगा पंद्रह में से जाएगा सात कितना बचेगा आठ बचेगा और यहाँ पे एक आएगा अगला देखो नौ में से नौ गया आप लोग का जीरो बचेगा छः में से जाएगा पांच कितना बचेगा एक बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा आप लोग का दो बचेगा अगला देखो सत्रह में से जाएगा नौ कितना बचेगा आप लोग का सत्रह में से जाएगा नौ कितना बचेगा आप लोग का आठ बचेगा और यहाँ नौ में से जाएगा छ

और ग्यारह इलेवन सेवेंटी थ्री ऑप्शन नंबर आया बी इलेवन सेवेंटी थ्री वन वन सेवन थ्री है सिंपल पकड़ लिया ना अगला सवाल अब यहां पे भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है मैटर सवाल देखो बहुत बड़ा नहीं है तो फिर डिफरेंस ले जाओ है ना बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे मल्टी पॉइंट डेसिमल तो है बट डेसिमल में भी बहुत बड़ा डेसिमल नहीं है तो आई विल सजेस्ट की गो विद द मल्टीप्लिकेशन है ना मतलब डिफरेंस आप डिफरेंस पे जा सकते हैं इस सवाल के लिए चलो तेईस फोर्टी टू पॉइंट टू एटी पॉइंट सिक्स वन फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर डैश तो यहाँ पे डिफरेंस जाते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोग का पॉइंट एट मतलब यहाँ देखो जो पॉइंट टू हो जाएगा फिर बारह में से जाएगा तीन बारह में से जाएगा तीन कितना बचेगा नौ बचेगा और यहाँ पड़ेगा नाइन्टीन पॉइंट टू अगला देखो छः में से जाएगा तो कितना बचेगा चार बचेगा और दस में से जाएगा दो कितना बचेगा आठ बचेगा और यहाँ आएगा थर्टी एट पॉइंट फोर तो मुझे कुछ लगा यहाँ पे डबल हो रहा है इसका अगला देखा जाए चौदह में से जाएगा छः चौदह में से जाएगा छः कितना बचेगा आठ बचेगा छः आएगा आप लोग का पूरा पूरा छः यहाँ पे आएगा मोटा मोटा ठीक है और फिर पंद्रह में से जाएगा आठ कितना बचेगा सात तो अगर देखा जाए दोस्तों नाइनटीन का डबल हुआ और इसका डबल हो रहा है यहाँ पे है ना तो इसका अगर मैं डबल करूं तो 18 का डबल कितना हो जाएगा पॉइंट छः 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 बारह और एक तेरह हो जाएगा चौदह पंद्रह मतलब अगर मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे छः चार दस सात तीन दस और एक ग्यारह लास्ट में आया एक ठीक है पाँच पाँच दस एक ग्यारह तो एक और आया फिर यहाँ आएगा तीन तो थ्री वन वन इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई e, डबल हो रहा है है ना डबल हो रहा है ठीक है डबल हो रहा है तो मतलब नाइनटीन पॉइंट टू का डबल थर्टी एट पॉइंट फोर डबल सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर डबल वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स एड तो थ्री वन वन ठीक है 3, 1, 1. चलो अगला सवाल इसको देखो तो हो गया था ना एट अब देखो डेसिमल कितना सारा यहां पे जब कभी पॉइंट फाइव का डेसिमल दिखे तो वहाँ पे समझना कि पॉइंट फाइव से मल्टीप्लिकेशन जाएगा वन एवर यू सी द मटीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट फाइव यू कैन गो मतलब मतलब सीरीज़ में आपको पॉइंट फाइव देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तो आप मल्टीप्लीकेशन सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे पॉइंट फाइव मतलब कुछ लगा दूँ है ना तो ये क्लियर हो रहा होगा थर्टी सिक्स से एटीन एटीन ट्वेंटी सेवन सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव फिर यहाँ पर कितना है टू थ्री सिक्स पॉइंट टू फाइव फिर डैश तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं मल्टीप्लेशन करूँगा यहाँ पर तो मल्टीप्लीशन करूँगा तो छत्तीस से ठहारा जाएगा है ना थर्टी सिक्स अगर मैं अठार ले जाऊँगा तो क्या बोलूँगा अगर मैं थर्टी सिक्स से अट्ठारह ले जाऊंगा है ना इफ आई गो है ना तो यहां पर अगर देखा जाए तो थर्टी सिक्स से गया अट्ठारह मतलब हो जाएगा इन टू पॉइंट फाइव अट्ठारह से गया सत्ताईस इंटू वन पॉइंट फाइव आराम से अगला देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का टू पॉइंट फाइव आराम से हो जाएगा फिर यहाँ पे देखा जाए थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा यहाँ पे तो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव पहले फोर सेमेट्रीपाई करना पड़ेगा देन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा काफी मामला गमगीन हो गया ना, है ना तो है ना तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट फाइव का फोर को मल्टीप्लाई करोगे वन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव आ जाएगा है ना ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव आ जाएगा बोलो आ जाएगा हाँ है ना है ना ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर जै एट और नाइन पॉइंट फाइव मतलब आधा तो टू वन ज़ा टू हो गया फिर टू वन जो टू टू एट ज़्यादा सिक्सटीन ठीक है आधा कर रहे हैं ना फिर यहाँ हो जाएगा टू वन जय टू टू डू जो फोर टू टू फाइव जो टेन पॉइंट वन टू फाइव होगा यहाँ पे सही लेना मुझे लगता है ना वन टू फाइव होगा मैंने लिखा है ना ऑप्शन से तो वन टू फाइव होगा यहाँ पे ऐड करोगे तो पॉइंट वन टू फाइव हो जाएगा आठ पाँच तेरह चार पाँच एक छः और यहाँ आएगा वन जीरो सिक्स थ्री पॉइंट वन टू फाइव वन जीरो सिक्स थ्री पॉइंट वन टू फाइव वन जीरो सिक्स थ्री पॉइंट वन टू फाइव सवाल बेटा सिलेक्शन जब हो जाएगा ना तो लाइफ खूब मजा आएगी या तो अभी मजे कर लो लाइफ में है ना अगर आपको लग रहा कि है कि बोरिंग चीजें हैं तो मेहनत करनी तो पड़ेगी एग्जाम है ना आपके सामने है ना एग्जाम दोबारा नहीं आएगा बार बार भी नहीं आएगा एग्जाम ट्वेंटी फोर फाइव थ्री सिक्स फाइव 703, सेवन सात सौ तीन सिक्स सेवेंटी एट डैश यहाँ पे क्या होगा मैटर बताओ यहाँ पे पैटर्न है ना ट्वेंटी फोर फाइव थर्टी सिक्स फोर सेवन सात सौ तीन सिक्स सेवेंटी एट डैश तो यहाँ पर मैं डिफरेंस हर हाल में जा सकता हूँ तो इफ़ आई गो विट डिफरेंस है ना अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें यहाँ पे तो ट्वेंटी फोर से गया फाइव सेवेंटी सिक्स तो छः में से जाएगा चार तो कितना आएगा दो आएगा यहाँ पे आएगा एक यहाँ आएगा पाँच सौ बारह अगला देखो सत्रह सात में से जाएगा छः कितना बचेगा एक आठ में से जाएगा तीन कितना बचेगा आप लोग का पाँच बचेगा सॉरी माइनस करेंगे ना यहाँ पे तो ये अगर आपका प्लस हुआ अब अगला छः में से जाएगा सात सोलह में से जाएगा सात कितना बचेगा जो नौ बचेगा बारह में से जाएगा आठ बारह में से जाएगा आठ कितना बचेगा का चार बचेगा ठीक है माइनस हो गया अब यहाँ देखा जाए प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा तेरह में से जाएगा सात कितना बचेगा आप तो लोग का छः बचेगा नौ में से जाएगा आठ कितना बचेगा का एक बचेगा यहाँ आएगा दो प्लस अगला देखो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तेरह है ना यहाँ पे अगर देखा जाए तेरह जा, तो तेरह में से जगह आठ कितना बचेगा पाँच बचेगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का दो आएगा और यहाँ पे आएगा एक तो आखिर मैटर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आठ का क्यूब हो गया यहाँ देखो सात का स्क्वायर हो गया छः का क्यूब हो गया पाँच का छः का क्यूब हो गया पच्चीस होगा ना यहाँ पे सॉरी तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा तो आठ क्यूब सात स्क्वायर छः क्यूब पाँच स्क्वायर मतलब चार क्यूब चार क्यूब करेंगे तो प्लस करेंगे सिक्सटी फोर तो आठ और चार बारह हो जाएगा सात छः तेरह और एक चौदह हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा सात सेवन फोर्टी टू इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो हैबिचुअल हैबिचुअल बनना पड़ेगा ना अगर आप अपने आप को हैबिट में लेके आओगे तो आप सवाल कर लोगे तो यू हैव टू बी मतलब अपने आपको आपको हैबिचुअल हैबिट मिलाना पड़ेगा सवाल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ठीक है तो एक सवाल में देता आप हुं लोगों को होमवर्क के लिए आप लोग बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे यानी कि कल हम लोग करेंगे यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज राइट कल जो है हम लोग यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे टॉप टेन रॉन्ग नंबर सीरीज ठीक है क्या करेंगे टॉप टेन रॉन्ग नंबर्स लिस्ट करेंगे तो कल आप लोग तो जुड़िएगा और ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें है ना कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसके अलावा आपके जो बैचेस हैं एफ के लिए वो हमने डेडिकेशन के साथ में शुरू किए हैं आज से तेरह जून है ना तो इसमें क्लासेस शुरू चुकी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत बेस्ट बैच है एफ के सारे एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं पे हम लोग है ना ये आपका कंप्लीट फेज़ वन फेज़ टू जनरल जनरल के लिए है और ये आपका क्या है फेज़ वन के लिए मतलब जनरल का मतलब अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं आपने सिंपल ग्रेजुएशन पूरा कर रखा है तो फिर आप लोग के लिए जनरल वैकेंसीज आउट होने वाली हैं जो कम से कम हज़ार के आसपास है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो अगर आप एफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं तैयार करते हैं तैयार करना चाहते हैं एफ के लिए तो फिर अभी से आपको झुकना पड़ेगा अभी से आपको मतलब पूरा फोकस देना पड़ेगा अपने हर सब्जेक्ट पे तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे अंडर ट्वेंटी फोर सेंट प्रोफेशन स्टोर पे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एफ दिख जाएगा अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एफ दिखेगा ये रहा है एफ सी आई एफ और एफ देखने के बाद आपको यहाँ पर जो है दिखेगा ये ठीक है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दिखेगा आपको एफ का जनरल ये हमारा बैच है एफ का जनरल इस पर आप क्लिक करोगे जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कंप्लीट बैच है ठीक है ये आपका कंप्लीट बैच है और यहाँ पे आप आएंगे वी ऑफर पे वी ऑफर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है कूपन कोड लगाने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा आपका वाई अप्लाई करेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो ये आपका टू फाइव नाइन का पड़ेगा अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन से अगर आप परचेस करेंगे तो ठीक है तो ये कंप्लीट फेज़ वन फेज टू का बैच है बाकी एग्रीकल्चर का महापैक में रहेगा ये महापैक प्लस का भी पार्ट रहेगा ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखो टेक केयर ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यूर एंड अपना ध्यान रखिए थैंक यू